अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे खीमे के समोसे। खीमे के समोसे का स्टफिंग कैसे बनाने का वो मैं आज दिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने खीमा, मैदे का डो, कटी हुई बारीक प्याज, कटे हुए टमाटर, उबला हुआ फ्लावर, कोतंबीर, पुदीना, हरी मिर्ची का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, एवरेस्ट मसाला, गरम मसाला, नमक और नींबू का रस। कड़े में 3 चम्मच तेल डालने का। इसमें कटी हुई बारीक प्याज डालने का, प्याज थोड़ी ज्यादा डालने का। अब इसे तेल में पूरा मिक्स करके लेने का। आधा चम्मच नमक डालने का। नमक डालने से प्याज एकदम नरम होते हैं। और प्याज को गोल्डन ब्राउन करके लेने का। और इसमें कटे हुए टमाटर डालने का। 3 टमाटर हैं ये मीडियम साइज के। इसे भी प्याज में अच्छी तरह से भून को लेने का और नरम कर को लेने का। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने का। इसे अच्छी तरह से भून को लेने का प्याज और टमाटर में। हरी मिर्ची का पेस्ट डालने का। इसमें मैंने थोड़ा नमक डालकर पीसी हूँ। इसे भी अच्छी तरह से भून को लेने का। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालने का। और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालने का। मैंने एवरेस्ट मसाला डालियो और गरम मसाला 1 चम्मच डालने का। इसे अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेने का। ये उबला और फ्लावर है बारीक कट कर मैंने हल्दी डालकर इसे मैं उबाल को लूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर को लेने का। खीमा है इसे मैंने धोकर कुकर में हल्दी नमक लगाकर इसे गला को लूँ। इसका पूरा पानी सूखा को ले सूँ। इसे अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेने का मसालों में। एक नींबू का रस है, नीम का रस 1 डालने का। और ठंडा होने के बाद कटी हुई कोतंबीर डालने का। कोतंबीर जास्त डालने का। और कटा हुआ पुदीना डालने का। समोसे की फोल्डिंग की वीडियो देखनी है तो पार्ट 2 में जाकर देखो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।